दोस्तों, अगर आप एक VI का रिटेलर हो तो अगर आपको सिम पोर्ट करना नहीं आता है तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जियो या एयरटेल के सिम को VI में किस प्रकार से पोर्ट कर पाओगे। दोस्तों, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका जो कस्टमर रहेगा जिसको सिम पोर्ट करवाना है उसके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। कम से कम उसमें SMS रिचार्ज ज़रूर होना चाहिए और साथ ही उसके मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन होना चाहिए। वो कीपैड फ़ोन से वो मैसेज नहीं शेयर कर पाएगा, तो उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आपको उसको सिम को निकाल करके अपने स्मार्टफोन में डाल लेना है, ठीक है। अब डाल लेने के बाद से और साथ में एक और यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करनी होगी कि आपको जो बैकग्राउंड है जहाँ पे आप कस्टमर का फ़ोटो खींचिएगा वहाँ पे बैकग्राउंड आपका वाइट रहना चाहिए। तो इन तीन पॉइंट पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप जियो या एयरटेल के सिम को VI में पोर्ट कर पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का जो भी नंबर है, जो भी सिम है, उस सिम को एक स्मार्टफोन में डाल लेना। उसके बाद मैसेज में आना है और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है क्योंकि आपको न्यू मैसेज करना है। और यहाँ पे 2 लिखा है, इसमें आपको 1900 डालना है, नंबर डालना है। इसी पे आपको जो मैसेज सेंड करना है, ठीक है। नंबर है 1900, ठीक है। इस नंबर पे आपको मैसेज सेंड करना है। मैसेज क्या सेंड करना है? अब मैसेज में आपको लिखना है PORT स्पेस आपका कस्टमर का जो नंबर है उस नंबर को डाल कर सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, UPC नंबर, इस नंबर को आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है और एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और MNP वाले ऑप्शन में आना है। और यहाँ पे आपको जो प्लान है, प्लान कस्टमर को देना चाहते हैं उस प्लान को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का जो नंबर है उस नंबर को इसमें डाल देना है जिसे आप पोर्ट करना चाहते हैं। अब उसके नीचे यहाँ पे आपको एंटर सिम वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको स्कैन करना है अपने सिम को, जो आपके पास सिम है ये स्कैन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और अपने सिम को स्कैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर UPC कोड जो मांग रहा है उस UPC कोड को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जो मैसेज हमने लिखा था ये पोर्ट और सेंड किया था तो यहाँ पे UPC जो कोड आया था उसी कोड को यहाँ पे डाला है। यहाँ पे देखिए जो UPC कोड है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे जो लेटर आएगा ABCD का उसे आप ज़रूर डालिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो UPC जनरेशन जो कोड था वो किस डेट को किस टाइम को आपने किया था वो वाला डेट ऊपर वाला में डालना है और उसका जो एक्सपायरिंग डेट है उस डेट को नीचे वाला में डालना है। तो यहाँ पे आपको जो पोर्ट लिख करके जो सेंड किए थे और जो कोड आया था उस कोड का कितने तारीख को आया था और कितने बजे आया था उसको डिटेल्स डालना है और उसके एक्सपायरिंग डेट डाल करके यहाँ पे आपको नॉर्मल को सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको PWD को सेलेक्ट करना है और EKYC करना चाहते हैं EKYC को सेलेक्ट करके DKYC करना चाहते हैं DKYC कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं EKYC को सेलेक्ट करके इस एरो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे स्किप ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है या यहाँ पे अगर आपके पास कोई और VI का सिम हो जिस पे अगर आपको वेरीफाई करना है तो उस नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा और ईमेल से भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है या आप इसे स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क्स कर देना है IAGRI पे और यहाँ पर आप एंटर एड्रेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी देर में आपसे यहाँ पर आधार कार्ड का डिटेल्स मांगे जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपने आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। आधार नंबर डालते टाइम आपको बिल्कुल बारीकी से चेक कर लेना है कि क्या आपने जो भी आधार नंबर डाला है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद से यहाँ पे स्कैन फिंगर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है आधार कार्ड नंबर डालने के बाद से। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो मार्फो हो उसे कनेक्ट करके चेक टू इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका जो मार्फो है सही होगा तो यहाँ पे LOTK आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे चेक टू क्लिक पे क्लिक करना है और जो आपका कस्टमर है कस्टमर का जो फिंगर है उसको यहाँ पे आपको मार्फो जो है उस पर रखवाना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वो स्कैन करके आपके जो कस्टमर का जो फिंगर है वो वेरीफाई करेगा स्कैन करके, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कैमरे का जो जैसे ही आइकन है तो इस कैमरे वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और आपका जो कस्टमर है उसका फ़ोटो खींचना है, वाइट बैकग्राउंड जहाँ पे हो वहीं पे फ़ोटो खींचना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे नेटवर्क स्पीड है यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, तब फ़ोटो खींच के यहाँ पे लुक्स गुड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, या तो अगर अच्छा फ़ोटो नहीं आया तो रीट्राई पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर लुक्स गुड पर क्लिक जैसे ही करिएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये WS आ गया था, इसे आपको कैंसिल कर देना है, इसे हटा देना है। कभी कभी इसमें कुछ डिटेल्स में गलत आ जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये डिटेल्स आता है। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ये एरो है जो नीचे ये ब्लैक वाला, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर लोकल एड्रेस जो है इसमें आपको नीचे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर चेक मार्क्स कर देना है, ठीक है। तो सेम का सेम वही एड्रेस यहाँ पर फुल अप फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद से फिर से एरो पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एरो है, इस एरो पे फिर से आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो FRC है इस पर आपको अगर चेक अभी FRC डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे स्कीप वाला जो ये बॉक्स बना है इस स्कीप वाले बॉक्स को आपको चेक मार्क्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प्रोफेशन ऑफ सब्सक्राइबर इस वाले ऑप्शन में देखिए सेलेक्ट का एक ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में आपका जो कस्टमर है वो कौन सा काम करता है उसे चूज करना है। तो मैं यहाँ पर हाउस वाइफ डाल देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर आपको जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेंट्स है इसमें आपको एक डालना है, ठीक है, एक डालना है। और उसके बाद से यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, इसमें भी आपको एक डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में इस एरो पे क्लिक करिएगा, ये छोटा सा जो एरो है इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो सिम है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एयरटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा तो आपको एरो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, इस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको चेक मार्क्स कर देना है, जैसे यहाँ पे आई एग्री पे चेक मार्क्स करिएगा तो यहाँ पे आपको स्कैन फिंगर का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अब जो स्कैन फिंगर जो लगेगा, जो फिंगरप्रिंट लगेगा वो आपका जो यानी दुकानदार का लगेगा, जो रिटेलर है उसका लगेगा। तो यहाँ पे आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे स्कैन फिंगर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा चेक टू इंस्टॉल, इस पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको अपने मार्फो को कनेक्ट करने के बाद। जब यहाँ पे एलो टिक आ जाए उसके बाद से फिर से चेक टू कैप्चर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जो रिटेलर हैं उनका यहाँ पे फिंगरप्रिंट को यहाँ पे रखना है, जो दुकानदार है उनको अपना फिंगरप्रिंट को यहाँ पे स्कैन करना है। और यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर जो आपका जो सिम एक्टिवेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आ जाएगा और आपके मोबाइल पे कुछ इस प्रकार के पॉपअप शो होगा, जी यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ लिख दिया थैंक यू, यानी कि यहाँ पे आपका जो सिम एक्टिवेशन वाला प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे जल्द से जल्द आपके जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा रहेगा तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को छोड़ने के से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।